रायबरेली और अमेठी यूपी की ये दो सीटें हैं जो गांधी परिवार का गढ़ रही हैं। रायबरेली लोकसभा सीट 66 साल कांग्रेस के पास रही है। 56 साल यहां से गांधी नेहरू परिवार का सदस्य ही सांसद चुना गया है। 1952 से 1960 के बीच फिरोज गांधी लगातार दो बार चुनाव जीते। 1967 से 1980 के बीच इंदिरा गांधी लगातार चार बार चुनाव जीती। 2004 के बाद से ये सीट सोनिया गांधी के पास है। आजादी के बाद अब तक सिर्फ तीन बार कांग्रेस रायबरेली से हारी है। 1977 में राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हराया था। 1996 और 1998 में अशोक सिंह ने बीजेपी के टिकट पर ये सीट जीती थी, लेकिन 2004 के बाद से सोनिया गांधी रायबरेली सीट जीतती रही। इसलिए अब सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के फैसले से ये सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस को 24 में रायबरेली भी हारने का खतरा दिख रहा है। सबसे बड़ी नेता कांग्रेस की सोनिया गांधी ही। अब कांग्रेस थकी है या सोनिया जी थकी है ये तो जनता निर्णय करेगी, लेकिन थक तो जरूर गई है। हमारी शुभकामना है कि वो राज्यसभा में आए। 2019 में अमेठी से राहुल गांधी की हार और अब सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के फैसले और प्रियंका गांधी का रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार करने से ये साफ है कि यूपी में कांग्रेस को अपनी मजबूती पर भरोसा नहीं है। इससे 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस नेता यही कह रहे हैं कि सोनिया भले ही राज्यसभा गई हो, लेकिन कांग्रेस यूपी में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी चलाए, उनको चुनाव आयोग भी चलाना है, उनको ईडी भी चलानी है, सीबीआई भी चलानी है, और अब कांग्रेस पार्टी भी वो चलाएंगे। हमारी पार्टी है, हम निर्णय लेंगे, और हमारे लिए गर्व का विषय है कि सोनिया गांधी मेरे राज्य से, राजस्थान से राज्यसभा में सांसद बनेंगी। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग अभी फाइनल नहीं हुई। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों पर बात बनती है तो देखना होगा कि कांग्रेस यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और रायबरेली और अमेठी से कौन कांग्रेस का उम्मीदवार होगा।